हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एबीसीडी सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बशीर अहमद खान और दोस्तों आज जो हम लगाने वाले हैं वो एलएनजी कमोड। और इसमें दोस्तों बहुत सारा मेजरमेंट, एलएनजी कमोड लूज क्यों हो जाता है, मतलब कुछ दिन तक तो ढीला क्यों हो जाता है, मालूम है आप लोगों को? तो मालूम नहीं है, बहुत सारा चीज़ इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मेरा पूरा सामान रेडी है और नीचे जो है आपको सबसे पहले कार्टून देना ज़रूरी है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब पुट्ठा अगर नहीं देते हो तो बहुत ज़्यादा आपका रिक्स हो सकता है या फिर टूट भी सकता है कमर। तो यहाँ पर ये लगाना है और यहाँ पर जो है दोस्तों हम वाशर से फिटिंग करेंगे, मतलब ये जो है गैसकेट वाशर है तो इससे फिटिंग करूँगा। और इसका मैं बताता हूँ, ये है एक और बाकी यहाँ पर बहुत सारा सामान है, जिसमें एलन की पाना इसमें दिया हुआ है और इसका यहाँ पर रेग बोल्ट भी साथ में है, देख सकते हो आप। ओके, इसमें ग्रिप दिया है, सब कुछ दिया है। और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ये जो लगाना है इसका मेजरमेंट जो है थोड़ा सा अलग सिस्टम से होता है, ये जानकर रखिएगा। और यहाँ पर मैं मेजरमेंट लूँगा कैसे, मतलब ये बहुत जगह में लग जाता है, बहुत जगह में लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जब ही लगता है ये परफेक्ट मेजरमेंट अगर रहता है तो ये लगता है, नहीं तो लगेगा नहीं। तो पहले जो है मैं ये चेक करूँगा कॉमोड लगाकर नॉर्मली इसी में, मतलब ये जो मेरा है अगर कटेगा नहीं कटेगा बाद में देखूँगा। चलिए मैं बताता हूँ, धीरे धीरे लगाता हूँ सब और आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? और दोस्तों ये जो फ्लास्टैंग है कंसल सिस्टम है, बट ये फ्लास्टैंग नहीं है, ये मेट्रोपोल है। और ये मेट्रोपोल का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो शायद आ गया है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आने वाला है, तो ये भी आप लोग जरूर देखिएगा, कुछ अलग है। तो अभी हम चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वायसर जो है पहले निकाल लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे देखना है ये पाइप बड़ा हो चुका है कि नहीं, क्योंकि ये पाइप लगने वाला है, अलग से नहीं लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर चेक करने के लिए मैं नॉर्मली दिखा रहा हूँ, बहुत सारा चीज है, बने रहिएगा। ये कमोड का वजन काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे लगाता हूँ नॉर्मली, मतलब पॉइंट सही है कि नहीं पहले वो चेक करना पड़ेगा मुझे लगाकर। ओके, तो यहाँ पर जो है मेरा आ गया है, इसका मतलब है कंसील सिस्टम जो है, कंसील सिस्टम का पाइप जो है वो परफेक्ट है। पर 4 इंच का पाइप मैं दूसरा वाला लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, कैसे मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिक्स होने के बाद जो है ना आपको ये चीज हमेशा ध्यान देना है, ये जो है आपका ऐसे अप डाउन, मतलब ऊपर नीचे ये थोड़ा हो रहा है कि नहीं, ये चीज पहला जरूरी है। क्योंकि ये अगर अप डाउन नहीं हो रहा है, अप डाउन हो रहा है मतलब जो अंदर का पॉइंट है, दोनों आउटलेट इनलेट निकला है, वो आपका लूज है, मतलब परफेक्ट सेंटर में रहता है, तो ये ऐसे होता है। ऐसे मतलब आप वायसर से फिटिंग कर सकते हो, ये चीज अगर ये टाइट पकड़ लेता है, इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाता है, तो आप समझ लीजिएगा फिटिंग में गड़बड़ है, आप वहां पर ये लगा नहीं सकते। अगर ये लगा देंगे तो आपका लगेगा नहीं, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये लग जाएगा इसमें और आपका वो वाइसर भी लग जाएगा आपका कंसील सिस्टम में, ठीक है? तो मैं इसे खोल लेता हूँ, आपको मेजरमेंट बताता हूँ कुछ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका वाइसर निकाल देना है। ओके, वाइसर निकाला, वाइसर निकाल के अंदर लगाना है, वाइसर लगाकर नहीं, ठीक है, ऐसे लगाइए फिलहाल। उसके बाद जो है अगर आपके पास ब्लेड होता है स्ट्रेट में कुछ भी चाहिए, एक्सो ब्लेड, आपको क्या करना है ऐसे रखना है, मतलब कहीं से भी, जैसे कि ये वाला स्पेस जो होता है ये स्ट्रेट होता है हमेशा कोमोट का, ठीक है, एंगल जो है ऐसे लेना है आपको और लगाना है, यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर लेना है हल्का सा, या फिर ऐसे रख के आपको क्या करना है, इन साइड आपका कितना हो रहा है देख लेना है, या फिर आउटसाइड आपका कितना हो रहा है देख लेना है, जैसे कि आउटसाइड मेरा 60 mm हो रहा है और कोमोट के अंदर बाकी जितना है उतना जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक तो आप मार्किंग किए हो, अगर मार्किंग ऐसे नहीं किए हो तो आपको क्या करना है, बाहर साइड जैसे ही मैं 60 mm लिया था तो इसका 60 mm जहाँ होता है वहां पर लूंगा। उसके बाद इसका आउटसाइड मतलब इधर इन साइड वाला ये कितना हो रहा है, ये जो मार्किंग है आपका हमेशा इसे पकड़ कर जाइएगा, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो आप मेरा 2.5 इंच हो रहा है, ठीक है, मतलब 2.5 इंच। अब 2.5 इंच कैसे रखना है, ये 60 mm तो आपका अंदर जाएगा, ये 2.5 इंच बाहर आएगा। उसके बाद जो है आपको ये वाला वाइसर निकालना है, पहले मेजरमेंट सिंपल है और ये वाला पाइप भी निकाल देना है, उसके बाद नॉर्मल लगाइए इसे, या फिर आप कॉमोड लगाकर भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं दोनों सिस्टम दिखा दूंगा। अब यहाँ पर चेक करना है आपको, ये जो है मेरा 2.5 इंच से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए ये लगा रहने दीजिए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक ऐसे काट करना तो पड़ेगा, पर भी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो अगर आप वैसे मेजरमेंट नहीं आता है इसे लगाना है ऐसे,
ठीक है, देख लीजिए चारों साइड जो है गैप है, देख लीजिए चारों साइड ऊपर नीचे चारों साइड गैप है, यानी नीचे का लाइन कट करना पड़ेगा। आप कट कैसे करेंगे यहां पर मैं समझाता हूं आपको। ये देख लीजिए यहां पर तो ये परफेक्ट पूरा चले गया है, इसे तो आपको और कट नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर बेंड ना हट रहा है, मतलब चार इंच का जो बेंड है ये जाकर यहाँ पर ठेक गया है। तो ये चार इंच का बेंड अगर कंसील रहता है तो आसान होता है, अगर ओपन रहता है थोड़ा सा तो इसे अभी मुझे कट करना पड़ेगा इस लेवल में, ठीक है थोड़ा आधा इंच जैसा, और इसे निकालना वाइसर अगर लगा देंगे निकालेंगे निकाल नहीं पाएंगे, तो वाइसर नहीं रहेगा तो ऐसे ऊपर नीचे करिएगा आराम से निकल जाएगा, और इसे भी निकाल देते हैं। इधर देख लीजिए आप यहाँ पर जो सिस्टम विस्टम जो भी रहता है तो यहाँ पर एक वाइसर रहता है, ये वाइसर हमेशा आपका रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं बैंड काट लिया हूँ इसका लेवल में, क्योंकि डिस्टर्ब ये हो रहा था यहाँ पर नड़ रहा था। अब क्या करूंगा यहाँ पर ये भी कट करना पड़ेगा, क्यों वो बता रहे हैं, जैसे कि देख लीजिए ये मैं लगाया हूँ, ये जितना पहले जा रहा था उतना ही जा रहा है। अब यहाँ पर जो है इसका क्या करूंगा, ये उतना ही लेवल है तो इसमें आपको मुझे जितना यहाँ काटा था आधा इंच कॉमोड गैप हो रहा था, तो इसे भी आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वाइसर नहीं है। जब वाइसर आप लगाएंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, जो वाइसर में आधा एमएम 10 एमएम गैप हो जाता है, तो आधे इंच से 10 एमएम ज्यादा कटिंग कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए इतना, थोड़ा ज्यादा भी कटिंग कर लेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना भी कटिंग कर लेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी कटिंग कर लिया हूँ देख लीजिए, तो अभी मैं क्या करूंगा इसे फिलहाल नॉर्मल लगा देता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये लगा दिया हूँ, इसमें आप वाइसर भी लगाकर चेक कर सकते हो, और इसमें क्या करूंगा मैं ये भी लगा देता हूँ। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो ये दीवार में मेरा कमर सड़ रहा है कि नहीं। अब जो है यहाँ का कचरा हमेशा सफाई कर लीजिएगा थोड़ा, ताकि कमर वमर लगा के हो तो आपको थोड़ा आसानी होएगा, रिक्स नहीं रहेगा। अब क्या करते हैं हम, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मेरा फिट हो चुका है, ठीक है। फिट होने के बाद आप मुझे क्या करना है, फिट हो गया तो अभी निकालना नहीं है, तो ऐसा रहने दीजिए। अब इसमें मैं लेवल देखूंगा, मतलब ये लेवल कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर आप बबल लेवल से नाप सकते हो, मतलब बबल लेवल लेवल देकर चेक कर सकते हो। और एक आइडिया है, हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर का टाइल्स आप देख रहे हो ना, ये टाइल्स कभी भी टेढ़ा नहीं होता है, ये हमेशा स्ट्रेट करते हैं टाइल्स वाले, ठीक है। तो हम आज बबल लेवल से नहीं, ये लेवल देखकर आपको करने वाले, क्योंकि ये लेवल से भी बहुत लोग करते हैं और आता नहीं है बहुत भाई को, तो उनके लिए ये हेल्प हो जाएगा। बबल लेवल बहुत आसान है। तो यहाँ क्या करना है, कमर की किसी भी एक साइड पकड़ना है नीचे से, और ये आपको देखना है इधर जितना साइड 470 mm हो रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये भी आपका 470 होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा आप देख लीजिए 1 mm का 2 mm का फर्क है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला हल्का सा डाउन करना पड़ेगा, ऐसे मानना है, ये देख लीजिए दोनों साइड आपका ये 471 mm हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है 470 mm हुआ है, मतलब 1 mm में आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये जानकर रखिएगा, 1 mm ऐसा चीज है। अब जो है इसमें मार्किंग करना पड़ेगा, ठीक है, मार्कर पेन हो या पेंसिल हो या पेन हो, किसी भी चीज में आप मार्किंग कर सकते हो। और पता है आप लोग अभी तक शायद बहुत लोग लाइक नहीं किए हो, तो दोस्तों अगर लाइक नहीं किए हो तो जरूर कर लीजिएगा, और लाइक नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता है, लाइक रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। हाँ, बहुत लोग पसंद किए हैं काम को, और भी वीडियो बनाना चाहिए, तो लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में जो घंटा आता है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है मेरा मार्किंग देख लीजिए, मार्किंग हो चुका है। अब सिर्फ ऊपर का साइड जो मार्किंग है ना वही इंपॉर्टेंट है, साइड का नीचे का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें सेंटर निकालना है, कैसे इसका सेंटर टू सेंटर निकालना है इस टाइल्स में, उसके बाद उसका सेंटर को आपको लेना है। कैसे लेना है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों कॉर्नर है, ये दोनों कॉर्नर जो है मतलब एक तो सेंटर से आप ले सकते हो, मिडिल टू मिडिल। मिडिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, 1-2 mm का मेजरमेंट शायद आपको समझ में नहीं आता है, तो अगर मिडिल में अगर प्रॉब्लम होता है तो ये साइड जो है ये इस साइड से इस साइड आप मेजरमेंट ले सकते हो, क्योंकि वो जो नट है दोनों का प्लास्टिक का वो क्या है नॉर्मल दोनों सेम साइज रहता है। तो यहाँ पर मेरा 183 mm हो रहा है, ठीक है। अभी 183 mm को हम कैसे लेंगे, ये मेट्रोपोल का सेंटर से डिबेट करेंगे, मतलब दो भाग करेंगे। अब कैसे करने वाले हूँ, ये जो है टाइल्स में करूँगा, चलिए दिखाते हैं। बट उसके ऊपर जो है आपको और एक मेजरमेंट लेना है, ऊपर से, ऊपर से आपका जितना आता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा 78 mm हो रहा है देख लीजिए, ठीक है, 80 से थोड़ा कम हो रहा है,
ठीक है 78 mm हो रहा है, और इस साइड भी ऐसा मेजरमेंट कर लेना है, तो यहाँ पर भी आपको सेम दिखेगा, उतना mm ही होएगा। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, एक जो है ये टॉयलेट का इनलेट जो का लाइन जो होता है उसका बिल्कुल सेंटर में एक मार्किंग ले सकते हो, ठीक है। और भी एक चीज़ है, नहीं तो टाइल्स टूटा है यहाँ पर, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर भी कोई बात नहीं कंसील्ड हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करना है। कैसे, और भी तरीका है आपको हम बताते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए टाइल्स है ये जो यहाँ पर, इस टाइल्स से आपको मार्किंग करना है, ठीक है। इसका सेंटर पूरा देखना है टॉयलेट का इनलेट का, तो ये जो है मेरा 13 इंच हो रहा है सेंटर। अब जो है ऊपर हम टाइल्स में 13 इंच सेंटर में एक मार्किंग कर सकते हैं, तो वो जो मार्किंग है मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये तो मार्किंग हो गया। अब 183 mm से मुझे 50% करना है, मतलब कितना हो रहा है समझ लीजिए, 92 या 91 भी ले सकते हो एक साइड, और एक साइड 92, क्योंकि 1 mm में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 mm मतलब बहुत कम होता है जान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 91 mm ले लिया। अब उस साइड जो है 92 mm ले लूँगा, या फिर जहाँ पर मैं लास्ट में लेफ्ट साइड जो मार्किंग किया वहाँ से आप डायरेक्टली, मतलब यहाँ से आप डायरेक्टली उस साइड 183 mm तक ले सकते हो, ठीक है ऐसे हिसाब से। तो ये जो चीज़ है आपको मेजरमेंट यहीं पर सही करना है और देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेता हूँ पहले 183 mm में, और यहाँ पर एक चीज़ है सेंटर में जो मार्किंग किए हो, मतलब ये तो मार्किंग कर लिए, बट सेंटर वाला जो मार्किंग है एचकेची को आपको देख लेना है जो सही है कि नहीं, ठीक है। ये मार्किंग जो है परफेक्ट होना चाहिए एलन की कमोड में, अगर थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर हो गया ना तो समझ लीजिए आपका टाइल्स तो ड्रिल हो गया, फिर बर्बाद हो जाएंगे आप, लगाने में बहुत परेशान। अब देख लीजिए इस मार्किंग को स्ट्रेट करना है, पहले ये जान लीजिए ये जो वाल है ना ये वाल हमेशा स्ट्रेट रहता है, जब टाइल लग जाता है तो वो स्ट्रेट में ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा ये मेजरमेंट जो है देख लीजिए ये 270 mm हो रहा है मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा एक स्ट्रेट है, ये मेजरमेंट आपको याद रखना है या फिर बाद में भी, क्योंकि ये हमारा बताना फर्ज है और आपका लाइक और सब्सक्राइब करना फर्ज है। और जो है मेरा एक कॉमोड का माप था ऊपर की टॉप से जो है 78 mm मुझे यहाँ पर मार्किंग करना है 78 mm में, ओके। एक इधर मार्किंग हो गया और इस साइड भी सेम वैसे ही मार्किंग कर लेना। और आप लोगों का फर्ज क्या है मालूम है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये मार्किंग जो है कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक चीज़ है हमेशा कोई भी मार्किंग करते हो तो दोबारा मेजरमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये एलएन की कॉमोड है और यहाँ पर उसके बाद जो है आपको एक यहाँ पर स्ट्रेट मार्किंग करना है, मतलब जो मैं बैठा है हूँ नीचे वाला मार्किंग किया था ब्लेड पकड़ा और उसके नीचे जो मार्किंग कर लिया, तो क्या है ये स्ट्रेट है, एक पहचानने में आसानी होगा, ठीक है। इसका स्ट्रेट जितना दूर आता है तो ऐसे मार्किंग कर लेना है। तो ये हो गया मार्किंग, ये ब्लैक टाइल्स है इसके वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी हो रहा है समझने में, फिर भी व्हाइट लाया हूँ मार्कर ताकि आप लोगों को समझ में आए। और उसके बाद जैसे कि हम बताए थे यहाँ पर 270 mm में आपका ऊपर मार्किंग जो है, नीचे सेम वैसे ही 270 mm में आपको एक मार्किंग कर लेना पड़ेगा। तो हो गया ऐसे ही आपको ऊपर का, मतलब जितना 250 260 280 जितना भी आपका हो रहा है तो ऊपर जितना हो रहा है सेंटर उधर से मार्किंग करिए और सेम नीचे उतना mm में दीवार के साइड से मार्किंग कर लीजिए। और ये हो गया प्लस, वो हो गया होल, सेम इस साइड भी आपको वैसे ही कर लेना है, ऊपर मेजरमेंट करना है और नीचे उतने ही मेजरमेंट करके ये हो गया आपका मार्किंग। और बाकी जो है आपको ड्रिल का आइडिया बहुत सारा पता है, बहुत सारा वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पर उतना मैं ड्रिल का नहीं बताऊँगा, ड्रिल और रेगबल टाइट करने का आपको अंदाजा आता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है ये दो है, अब इसका मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, मेजरमेंट लेने का बहुत आसान तरीका है, मतलब आप थोड़ा सा ना ये जो लॉक है आप देख रहे हो ये जो खड्डा है इस खड्डे में आपका लॉक आएगा कौन सा वो मैं बताता हूँ। पहले जो है मैं इसे एक चढ़ा लेता हूँ इसमें, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसान भाषा से समझाऊं। और यही चीज जो है एलन की में सबसे ये होता है, नहीं तो एलन की कमर जो है निकलने का चांस ज्यादा होता है। इसमें आपको टेबलम टेप देने का जरूरत नहीं है, बहुत लोग टेबलम टेप देते हैं इसमें, तो टेबलम टेप देने का कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली रहेगा। उसके बाद इसे टाइट कर लेना है, हल्का सा ऐसा लूज भी कर सकते हो, मतलब वो बाद में, लेकिन अभी फिलहाल टाइट कर लेना है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, एक मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, ये जो चीज है ये आपका दीवार से कितना बाहर होना चाहिए पार कमोड के लिए अलग होता है, ठीक है। यहाँ पार कमोड में जो है आपको अलग अलग से मेजरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी कमोड आप लगाते हो बोल रहे हो एक ही मेजरमेंट आ रहा है तो उसमें मेरा दूर नहीं, वहाँ वैसा नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये जो मेजरमेंट है इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों चीज है, ठीक है, मैं यहाँ अलग अलग रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए, एक ही चीज में समझा सकता हूँ बट थोड़ा ईजी होगा दो रखता हूँ। ये जो आप लगा रहे हो इसे इसके अंदर ऐसे फिक्स होता है, फिक्स होने के बाद ये जो कमर का फेस है यहाँ से आप पकड़ सकते हो, एक मार्किंग ले सकते हो
फिर ये कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, कमोड ढीला हो जाता है, ये जो आप देख रहे हो ना, समझ लीजिए ये आपका नट यहाँ पर लग गया है सेंटर में, अगर समझ लीजिए हल्का सा बाहर रहेगा, हल्का सा अगर ज्यादा बाहर हो जाता है ना तो यहाँ आ जाता है, स्लोप है ये चीज, और स्लोप रहता है तो हल्का सा भी 1 mm अगर बाहर होता है तो कमोड ढीला हो जाता है। अगर एक चीज हमेशा जानकर रखिएगा, ये जो है अगर आप समझ लीजिए 80 mm में रहता है, तो अब अगर आप 79 mm रखेंगे तो इस साइड आएगा, इस स्लोप में मतलब ये दीवार के अंदर साइड खेलता है, तो ये जो दीवार के अंदर साइड खेलने वाला चीज है अगर कम हो जाता है 1 mm तो आपका परफेक्ट टाइट हो जाएगा, या सेंटर में भी रख सकते हो, अगर ज्यादा हो जाता है 1 mm तो आपका कमोड आज नहीं तो 2 दिन बाद या 2 साल बाद वो ढीला हो जाता है। ये चीज एलएनजी कमोड में हमेशा ढीला क्यों होता है, लूज क्यों होता है, ये चीज आपको जानकर रखना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसे मैं खोल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको मेजरमेंट दिखाता हूँ। ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये जो है आपका ऐसे लेना है और यहाँ पर देख लीजिए ऐसे ऊपर से जो है इसको एलएनजी सेट कर लेना है पहले, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एलएनजी ऐसे लगा कर रखना है, उसके बाद देख लीजिए ऐसे ये रहेगा, ऐसे रहने के बाद इसे आपको लगा देना है बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि ये एलएनजी आपका ऊपर साइड भी रह गया, मतलब जिस साइड आपका लगाना था। हाँ, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा इसे खोलना पड़ेगा, ये हम आपको समझाने के लिए खोले है, बट ये ऐसे ही लगा रहना चाहिए और उसमें ही आपका फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम खोले जो है वो आपको समझाने के लिए, और भी बहुत सारा तरीका होता है समझाने का, तो मैं एक तरीका समझाया हूँ, और भी आएगा कमोड का वीडियो और भी समझाऊंगा अलग तरीके से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक चीज, ये जो एलएनजी की ये जो नट घूम रहा है ना, इसे आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है, मतलब इसमें नट जो है पूरा अंदर चले जाना चाहिए, ठीक है, इसे पूरा ऊपर और भी उठाना है। ये वाला लगा दिया हूँ, और एक ये है जिसके लिए आपको दिखाया था नट जो है ढीला करना है और इसे पूरा ऐसे ठेल देना है। ठेलने के बाद आपको सिंपल जो है यहाँ पर पहले टाइट कर लेना है, ओके, परफेक्ट एकदम मजबूती, मतलब ये देखिएगा अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा निकला, ये देखिए ये परफेक्ट ऐसे आपको दोनों ये टाइट कर लेना है अच्छा से, और ये जो है आपका ये नाइट भी टाइट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल गिरेगा नहीं, अब ये तो हो गया, लेकिन इसमें मेजरमेंट कैसे करना है, ये तो अंदर चले गया, तो यहाँ पर जो है आपका सिंपल है, ये आप देख लीजिए मैं बोला था ना ये वाला स्ट्रेट है और ये प्लास्टिक भी जो है इसके फेस में है, मतलब ये लेवल में है, पर तो इससे ये कितना है ये पहले आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हो, या फिर एक आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है, काटना नहीं है सिर्फ मार्किंग के लिए, ध्यान कर रखिएगा, ये मार्किंग हो गया, हाँ दिख रहा है, और एक जो है आपको यहाँ से पकड़िए और यहाँ पर आपको ऐसे मेजरमेंट करना है कितना एमएम परफेक्ट लेना है, 35 से थोड़ा सा कम है, 135 से कम है, और इस साइड का भी आपको ऐसे ले लेना है, तो ये जो है 135 से थोड़ा ज़्यादा 135 mm हो रहा है, ठीक है, या फिर आप इधर का मार्किंग ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक आइडिया दूंगा, जैसे कि ये जो एलएनजी खोल रहे हो ना, इसे खोलना है और इस नट को जो है ना खींच के रखना है थोड़ा, ठीक है। तो आप देखिए कैसे खोल रहा हूँ, ऐसे आप खींच कर रखिएगा तो पूरा नट नहीं खुलेगा, बस ये निकल गया और नई नट खोलना है, बस उतना ही रख देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक मेरा मार्किंग है और एक जो है आपका ये मेरा टाइट है, ठीक है, ये एक मार्किंग है और एक यहाँ से आपको देख भी लेना है ये मेरा 134 हो रहा है कि नहीं, परफेक्ट है। तो ये मार्किंग से जो है आपका ये इसका पूरा बिल्कुल सेंटर ये आपको निकालना है, ये मार्किंग से ये सेंटर, मतलब ये जो मेरा हो रहा है समझ लीजिए बिल्कुल 87 mm हो रहा है, मतलब अगर मैं 85 भी रखूंगा, मतलब 2 mm अंदर जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, एक तो 87 में रख सकते हो या फिर 87 से कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, कितना 2 mm 1 mm उससे ज्यादा नहीं कम कर सकते हो, ठीक है। ये 87 mm राइट साइड वाला हो गया, मतलब ये साइड, अब लेफ्ट साइड वाला हो गया, दोनों सेम है, यहाँ पर ड्रिल तो हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या करना है, अब कुछ सिंपल जो है ऐसे लगाना है, लगाने के बाद जो है ये जो है थोड़ा ज्यादा ड्रिल होना चाहिए, मतलब ड्रिल करने के बाद आप देख लीजिए जैसे कि 85 mm मेरा सेंटर होना चाहिए, 87 mm, तो यहाँ पर 80 mm सेंटर तक हो जाना चाहिए, मतलब 5 mm अंदर रहेगा ड्रिल में तो अच्छा रहेगा, समझ रहे हो, या फिर और भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, उसके बाद ड्रिल हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, सिर्फ जो है ग्रिप मान
और भी यहाँ पर एक आइडिया दूंगा मतलब टाइट करने का, जैसे कि ये जो मेरा टाइट है बिल्कुल, और यहाँ पर देख लीजिए एक मार्किंग जो है ना, जो मार्किंग दिखाया था घिस कर लेना था मार्किंग, उतना ही आपको टाइट कर देना है, मतलब टाइल्स के लेवल में उतना अंदर चले जाना चाहिए और उतना बाहर रहना रह जाना चाहिए जितना मार्किंग है, ठीक है? तो आपका क्या है वो परफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल भी आपका परेशान नहीं है। और उसके बाद मेजरमेंट करना है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है मेरा 187 mm हो रहा था, 187, बट मैं यहाँ पर रखा हूँ 185 mm। मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ, एलेंगी कमोट कहीं पर भी लगाता हूँ, मतलब 2 mm जो है मैं अंदर टाइट करता हूँ, और ये 2 mm जो है आपका अंदर रहेगा तो कमोट जो है ना इतना खींच कर दीवार के साइड बैठेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो सेम इस साइड भी आपको ऐसे ही टाइट कर लेना है, और कुछ नहीं है, जो बताया हूँ उतना ही काफ़ी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है चलिए दिखाते हैं। उसके बाद आपको एक लाइक कर देना है वीडियो को, और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा है। और ये जो सेंडर टू सेंडर आपका 183 mm हो रहा है कि नहीं ये देखना है ध्यान से, ठीक है? तो 183 mm यहाँ मेरा परफेक्ट है। अब जो है मैं नॉर्मल एक बार चेक करूँगा, मतलब कॉमोट का रेक बोल्ट आ रहा है कि नहीं, जैसे कि देख लीजिए कैसे लगा रहा हूँ। तो सिंपल ऐसे ही आपको लगाना है, और परफेक्ट पूरा दीवार में फिट होकर बैठ रहा है कि नहीं यही देखना है, ठीक है? क्योंकि रेक बोल्ट जो है हल्का सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो वो टाइट पकड़ता है और जाता नहीं है, तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा मेरा कंप्लीट टाइट बैठ गया और चिपक के बैठ गया। अब नट भी जो है ऊपर साइड है। कभी भी कॉमोट लगाते हो फिट करते हो तो इस सब चीज़ हमेशा नज़र रखिएगा, नट जो जब एलेंगी टाइट करेंगे वो ऊपर साइड होना चाहिए, कॉमोट एक बार चेक कर लेना चाहिए, परफेक्ट फिट होना चाहिए। उसके बाद जो है मैं इस सब लगाने वाला हूँ वाइसर वगैरह, ठीक है? वाइसर वगैरह लगा के आपको क्या करना है मालूम है, क्या करना है? अगर लुब्रिकेंट है तो लुब्रिकेंट से लगा सकते हो, या फिर ऑयल से लगा सकते हो, ठीक है? यहाँ देख लीजिए मैं सीमेंट वोमेंट लगा दिया, क्योंकि अगर लीकेज होता है तो उसके अंदर पानी ना जाए, नहीं तो बाथरूम में जो पानी फैलेगा अंदर से और डैमेज होएगा घर, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर सभी में मैं वाइसर लगा दिया, और इसके अंदर जो है सभी चीज़ में देख लीजिए ऑयल दिया हूँ, मतलब तेल। अगर लुब्रिकेंट भी होता है तो लुब्रिकेंट भी आप दे सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप ऑयल भी है तो ऑयल दे दीजिए, लुब्रिकेंट ज़्यादा बेटर होता है ऑयल से, क्योंकि लुब्रिकेंट आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं करता है और स्लिप भी अच्छा करता है। उसके बाद देख लीजिए कॉमोट जो प्रेस कर रहा हूँ, बट एक एलेंकी मेरा ऑलरेडी फिक्स है कॉमोट के ऊपर, ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। एलेंकी अगर ऊपर से कहीं होता है तो एलेंकी पाना जो है वो लगा कर रख दीजिए, उसके बाद आप ऐसे लात मारिए, जो मारिए मारिए, ठीक है? फिर फिट करिए और उसके बाद टाइट करिए, तो आपका वो जो है काफ़ी बेस्ट होता है, आसानी होता है। अगर आप एलेंगी पाना लगाकर नहीं रखेंगे ना, कॉमोट फिट कर लेंगे फिर उसमें पाना जो आप फिटिंग करेंगे ना, तो वहाँ पर परेशानी थोड़ा सा होएगा, और वही परेशानी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप तब तक थक जाते हो, काम बहुत करते हो तब तक थक जाते हो, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा लगेगा। तो एक्स्ट्रा इस सब दिमाग लगाइएगा, और एक्स्ट्रा हमेशा रेडी टू फिक्स, बस इतना ही। आप चेक करते हैं, देख लीजिए पूरा मस्त बैठ कर दिखाता हूँ, ओके? हाँ, तो परफेक्ट एकदम बैठ गया, मजबूत हो गया। अब जो है हम इसमें पानी चेक करेंगे, आपको दिखाते हैं साइट में, और वीडियो कौन कौन अभी तक लाइक नहीं किए बताइएगा। देख लीजिए पूरा दीवार में ये चिपक के बैठ गया, लेकिन ये जो मार्किंग, बहुत सारे भाई बोलते हैं मार्किंग कैसे निकलेगा, भाई साहब मार्किंग में कॉमोट के अंदर नहीं है, कॉमोट जब लगाया था तो उसके ऊपर से मार्किंग किया था, तो वो आराम से निकल जाएगा, उसका बेफिक्र रहिए आप। तो आप ये वीडियो को लाइक करिए, और पसंद आए तो क्या कुछ भी छूट गया है तो कमेंट करके बताइएगा, ऐसे वीडियो और भी आता रहेगा, लाते रहूँगा, और भी अलग अलग आइडिया से आप लोगों को बताऊँगा, अलग अलग पोजीशन से बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा बने रहिए। और एक चीज जाते जाते बता देता हूँ, देख लीजिए हमेशा बोलते हो पानी वेस्टेज क्यों करते हो आप लोग, तो पानी वेस्टेज नहीं, हम लोगों का काम ऐसा है जो कुछ चीज़ वेस्टेज करना पड़ता है, मजबूरी ये है, जो लीकेज जैसे चेक करने के लिए यहाँ पर थोड़ा पानी वेस्टेज करना पड़ेगा।